फ्रेंड्स, दिस इज द लेक्चर नंबर 14. टुडे वी विल डिस्कस ऑन STRCPY, STRCMP, STRCAT, STRLEN एंड स्पर्श मैट्रिक्स. सच टाइप ऑफ टॉपिक्स दे हैव आस्क्ड मेनी टाइम इन योर इंटरव्यू एंड ऑल्सो इन योर एग्जाम. तो देखो, जब भी आप एग्जाम देने जाते हैं, मैंने वही टॉपिक बहुत सारे आपके लेक्चर पे डिस्कस किया है. आप सारे लेक्चर्स पे जाओ, ठीक है. तो आज हम क्या करेंगे, एक एक करके इन टॉपिक पे डिस्कस करेंगे और उसको समझेंगे. मैं प्रोग्राम के सिर्फ बॉडी को लिख रहा हूँ, बाकी आपका जो अभी तक मैं आपको बता रहा था हैस, बार बार मुझे ये लिखना पसंद नहीं है. हैस इंक्लूड STDIO.H, ये प्रोग्राम को हम जो लिखते हैं इस तरीके का, ये मैं नहीं लिखूंगा, सिर्फ फंक्शन के बॉडी को लिखूंगा. तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि आपका STRCPY क्या होता है. CPY का मतलब ही होता है कॉपी, पहले ध्यान रखना. ये फंक्शन क्या है, ये क्या है कि ये कॉपी करेगा. अब क्या करेगा कॉपी, सीधी सी बात है. STR का मतलब क्या होता है, स्ट्रिंग. ये आपका शब्द निकला है स्ट्रिंग से, यानी कि स्ट्रिंग. और ये CPY का मतलब होता है कॉपी, ठीक है, यानी कि स्ट्रिंग को कॉपी करेगा. अब कैसे करेगा, जैसे देखो एग्जांपल, मैंने क्या लिखा CHAR, आपको स्ट्रिंग का मैंने पहले पढ़ा दिया है, ठीक है. CHAR, मैंने एक स्ट्रिंग लिया D, उसका नाम D है और इसका साइज जो है मैंने स्पेसिफाई नहीं कर रखा है, वो ऑटोमेटिकली यहां से ले लेगा DELHI, ठीक है. तो यानी कि एक आपका डी क्या है, एक एरे है जिसका टाइप क्या है, करेक्टर है, ठीक है. और जिसका साइज आपका ये इस यहां डिफाइन हो गया है DELHI 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसका साइज टोटल कितना है, 6 है, क्योंकि आई के बाद एक नल स्पेस भी होता है किसमें, स्ट्रिंग में, ठीक हो गया. फिर इसके बाद हमने क्या लिखा, CHAR, दूसरा एक स्ट्रिंग लिया मैंने S, जो करेक्टर टाइप का है, ठीक हो गया, स्ट्रिंग है तो करेक्टर हो गई होगा. और मैंने IND लिख दिया, INDIA, इंडिया लिख दिया, ठीक है. पहले मैंने क्या लिखा, एक एरे लिया, ठीक है, जिसमें क्या तुम्हारा क्या है, स्ट्रिंग क्या है, डेली है. और दूसरा एरे लिया, इसका स्ट्रिंग क्या है, तो आपका इंडिया, ठीक है. अब इसके बाद मैंने लिखा STRCPY, कॉपी कर दो किसको, डी और एस को, डी और एस को कॉपी कर दो और पुट्स आपका डी, यानी कि आपका आंसर डी दिखा दो, रिटर्न जीरो और आपका ये हो जाएगा. तो ये यानी कि क्या कर रहा है, कॉपी कर दे रहा है, ठीक है, उसका वो उसमें कॉपी हो जाएगा, ठीक है. तो इसका तुम्हारा वैल्यू क्या हो जाएगा, इसमें कॉपी हो जाएगा. और आपका पुट्स का मतलब क्या होता है, आपको आउटपुट दिखाना है, यानी कि प्रिंट करना है. तो आपको प्रिंट देख सकते हैं आप, इसको कंपाइल करो, ये प्रोग्राम को अपने कंपाइलर में लिखो और इसका आउटपुट देखो क्या आ रहा है, ठीक है, कॉपी करता नहीं करता, ठीक है. उसके बाद हम नेक्स्ट जो टॉपिक है उस पर हम बात डिस्कस करते हैं, वो क्या है आपका STRCMP. तो ये भी देखो शब्द कहां से निकला है, STR का मतलब होता है स्ट्रिंग, हम स्ट्रिंग यूज करेंगे. और CMP का मतलब होता है कंपेयर, यानी कि कंपेयर करेंगे, यानी कि दो स्ट्रिंग को हम आपस में कंपेयर करेंगे. सो नाउ अगर हम क्या कर रहे हैं, यहां पर फंक्शन की बॉडी को हम यहां पर लिख रहे हैं. हमने एक लिया करैक्टर CHAR N, उसका नाम तुम्हारा N है और इसका साइज तुम्हारा क्या है, 20 है, लिख दिया, ठीक है. अब मैंने क्या बोला, स्कैनअप कर दो. स्कैनअप का मतलब हम वैल्यू इनपुट करेंगे और इनपुट में मैंने परसेंटेज ऑफ S लिखा है, ध्यान रखना, यानी कि स्ट्रिंग पूरी की पूरी आएगी. अगर मैं C लिखूंगा तो करैक्टर एक आएगा, अगर मैं S लिखूंगा तो पूरी की पूरी आपकी लाइन आएगी, यानी कि मैं पवन तिवारी लिख देता हूं. कहां पर, इस N पर मैंने लिखा करैक्टर N 20. इस करैक्टर जो है ये N है तुम्हारा, इसका साइज कितना है, 20 है. और स्कैनएफ इनपुट कर दो किसको, N पर, ठीक है. तो N पर जो भी हम लिखेंगे, मैंने पवन तिवारी लिखा तो पवन तिवारी N के अंदर चला गया, ठीक है. अगर साइज बड़ा होगा तो नहीं आ पाएगा, ठीक है, ये चीज को ध्यान रखना, ये मैंने पहले डिस्कस कर लिया है. अब मैंने क्या बोला कि इफ अगर आपका STRCMP, ठीक है, STRCMP N और आपका पवन PAWAN पवन, अगर आपका दोनों एक जैसे हैं तो बराबर जीरो, ठीक है. इफ इन दोनों को कंपेयर करना है, क्या ये और ये एक जैसे हैं, अगर हैं तो हमने बोला PRINT प्रिंट एफ, हमने बोला यस बोल दो, ठीक है. एल्स में कुछ मत लिखो, तुम्हारी मर्जी है, रिटर्न जीरो, ठीक है, जरूरी नहीं है एल्स लिखना है, ठीक है, आप लिख भी सकते हैं एल्स प्रिंट एफ नो, ठीक है. तो आप कंपेयर कर रहे हैं कि क्या ये और ये दोनों सेम है, नहीं है.
अगर आप पवन तिवारी लिखेंगे तो दोनों सेम आएंगे ही नहीं आएंगे, है ना। तो ये जो होता है आपका एसटीआर सीएमपी, ये कंपेयर करने के लिए होता है, ठीक है। थ्री हो गया, फिर यहां पर रिटर्न जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, एक बात को ध्यान रखना, ये हो गया क्लोज हो गया क्योंकि हम आईएनटी लिख नहीं रहे। इसके बाद नेक्स्ट है आपका थर्ड जो टॉपिक है वो एसटीआर सीएटी है। थर्ड टॉपिक क्या है आपका? एसटीआर सीएटी, ठीक है। अब एसटीआर सीएटी का मतलब क्या है? यानी कि स्ट्रिंग है आपका, स्ट्रिंग, हम स्ट्रिंग को यूज करेंगे। सीएटी का मतलब क्या है? यानी कि कॉनकेटिनेट्स टू स्ट्रिंग। अब इसका मतलब क्या होता है कॉनकेटिनेट टू स्ट्रिंग का? मतलब यानी कि दो स्ट्रिंग को हम क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। कैसे? देखो, जैसे हमने क्या लिया, फंक्शन के बॉडी के अंदर मैंने लिया करेक्टर एन 30, मैंने करेक्टर लिया, एन एक करेक्टर टाइप है तुम्हारा जिसका साइज 30 है। मैंने लिखा प्रिंट एफ, ठीक है, मैंने लिखा इंटर, ये आपका इनपुट आउटपुट, सॉरी आउटपुट आपका ऐसा दिखाई देगा। मैंने लिखा गेट्स एन, ठीक है। अब एन जो भी हमने लिया है, आप गेट्स से हमने क्या किया, जो भी आपने इनपुट किया एन के अंदर चला गया, ठीक हो गया। फिर मैंने बोला एस टी आर सी ए टी, ठीक है, एन और पी ए डब्ल्यू ए एन, पवन जोशी, ये मैंने लिख दिया, ठीक है, और ये बंद कर दिया। जैसे माना मैंने, अगर इस एन के बदले अगर माना मैंने इंटर किया होता, ई एन टी आर, इंटर के बदले में हमने क्या लिखा, श्री लिखा, ठीक है। अगर माना श्री लिखा होता तो क्या आ जाएगा, श्री पवन जोशी, ऐसा आ जाएगा। मतलब ये क्या कर देगा, उसको कॉन्केटिनेट कर देगा, मतलब जो भी आपने यहां इनपुट किया है उसके साथ ये मिक्स हो जाएगा, पवन जोशी के आगे से आपका ये आ जाएगा, यानी कि दोनों क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, यानी कि श्री पवन जोशी, ये आपका आउटपुट आ जाएगा। पवन जोशी तो हमने पहले से लिखा हुआ है, और एन में हमने जो भी इनपुट किया है, माना श्री इनपुट किया है, तो श्री पवन जोशी आ जाएगा। जैसे अगर हम यहां ये करते डेली, यहां पर डेली इनपुट करते और यहां इंडिया कर देते, क्या क्या आउटपुट आता, डेली इंडिया, ठीक है, आउटपुट क्या आता, डेली इंडिया। तो ये है आपका कॉन्केटिनेट, ये आपका एसटीआर सीएटी का मतलब ये है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो क्या आता है आपका, वो चौथा है आपका, जिसका हम डिस्कस पहले ही कर चुके हैं, एसटीआर एलईएन, यानी कि आप किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ पता कर रहे हैं, व्हाट इज द लेंथ ऑफ सच टाइप ऑफ स्ट्रिंग। तो इसको ये हमने पहले डिस्कस कर लिया है, फिर अगेन हम और कर लेते हैं। जैसे आपका है आईएनटी, हमने लिख दिया माना एल लिख दिया, ठीक है, एल क्या है, एक इंटीजर टाइप है, ठीक हो गया। फिर दूसरा हमने एक करेक्टर ले लिया, करेक्टर सी, और ये इज इक्वल टू पवन ले लिया, पी ए डब्ल्यू ए एन, पवन, ठीक हो गया। फिर यानी कि करेक्टर लिया जिसके अंदर हमने पवन लिख दिया, ठीक हो गया। फिर अब हमने बोला कि जो एल है, एल इज इक्वल टू एस टी आर एल ई एन और सी, ठीक है। मुझे क्या करना है, ये जो सी है इसका साइज, इसका लेंथ क्या, हमको पता नहीं है, लेंथ पता करना है। तो क्या करेगा, एस टी आर एल ई एन सी, यानी कि इसका लेंथ जो भी है वो एल के अंदर डाल देगा। और एल क्या है तुम्हारा, एल इंटीजर टाइप है, यानी कि इसकी लेंथ जो भी होगी इंटीजर टाइप होगी, फ्लोट में तो हो नहीं सकती, करेक्टर में तो हो नहीं सकती। साइज क्या होगी तुम्हारी, देखो 1 2 3 4 5 6, अगर हम ऐसे देखेंगे तो जो भी साइज होगा इसका वो तुम्हारा क्या आ जाएगा, एल में आ जाएगा। अब हमको एल को क्या करना पड़ेगा, प्रिंट करना पड़ेगा। तो प्रिंट एफ हमने बोला लेंथ इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ डी, और आपका क्या आ जाएगा, एल, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका प्रिंट हो जाएगा, क्या, एल प्रिंट हो जाएगा, जो भी साइज होगा आपका वो आपका प्रिंट हो जाएगा। तो एस टी आर एल ई एन लेंथ फाइंड करने के लिए होता है स्ट्रिंग के, एस टी आर सी ए टी कॉन्केटिनेट के लिए होता है, एस टी आर सी एम पी कंपेयर के लिए होता है, और एस टी आर सी पी आई कॉपी के लिए होता है। चार चीजें होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें एक टॉपिक है स्पर्श मैट्रिक्स, जो बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। स्पर्श मैट्रिक्स क्या है, देखो स्पर्श मैट्रिक्स का मतलब सीधा है, बहुत ही आसान है। आपने अगर अपर ट्रेंगुलर और लोअर ट्रेंगुलर के बारे में सुना है तो आपको स्पर्श मैट्रिक्स भी आ जाएगा। स्पर्श मैट्रिक्स का मतलब है मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स, ELEMENTS, एलिमेंट्स आर जीरो। आपका जो स्पर्श मैट्रिक्स होती है, सो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट क्या होते हैं, जीरो होते हैं, ठीक है। तो यानी कि जैसे आपका क्या है, अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स की हम बात करते हैं, जैसे माना 2, 3, 4 एंड 0 एंड 2 एंड 6 एंड 0, 0, 9, ठीक है।
तो ये तुम्हारा क्या है, एक मैट्रिक्स है जिसमें आप देख रहे हैं कि आपके नीचे क्या है, जीरो जीरो है, या हमने एक मैट्रिक्स ऐसी ले ली, यानी कि मोस्ट ऑफ जीरो होंगे, सीधी सी बात है ना, हमने लिया टू एंड जीरो जीरो एंड फोर सिक्स जीरो एंड फाइव एंड सिक्स नाइन, ठीक है, ये आपका देख रहे हैं आप मैट्रिक्स। अगर आपने अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रेंगुलर की मैट्रिक्स के बारे में सुना है तो जो स्पर्श मैट्रिक्स है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो ये उसका डेफिनेशन सेम उसकी तरह है। इसमें तुम्हारा क्या होता है, सेलेक्ट नॉन जीरो वैल्यू टू, चलो इसको रहने दो, हम इतना ही हम बात करते हैं, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट आर जीरो, आपको सिर्फ अपने दिमाग में इतना ही रखना है, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट आर जीरो इन स्पर्श मैट्रिक्स, इसमें ध्यान रखना। तो इसका कोड ये आपको करना है, इसका कोड लिखना है, बहुत ही आसान है, इसका कोड आपको लिखना है, ठीक है, ये जो मैट्रिक्स है ये आपको डिस्प्ले करनी है, दिस इज योर टास्क, ठीक है, इसको करके आप मुझे बताना ये हो रहा है नहीं हो रहा है। ओके, थैंक यू सो मच।